इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं 10th स्टैंडर्ड ऐसा हथियार है जो भेदभाव ऊंच नीच जात पात सब हटाता है। प्रिया रंजना बाग संगठन अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी मंच पर आए साथ में हम दोनों में आ जाओ आधा आधा बढ़िया समाज सेवक वृक्ष मित्र और साई बासिंदा मुँह उठी खरीर रोड सहर एटा के एस डब्ल्यू विंग्स एटा हूँ के एस एस रोटे वुमेन विंग्स एटा एटा तो ये अनेक जागरणमूलक कार्यक्रम गुड़ाक आगर भी होती नारी मानक अधिका मानने प्लेस मिलू कि कर देखापी आठ यहाँ बहुत आगे जीव भल प्रोग्राम मैंने करहर को गोटे अलग नारी मान अलग स्थान रही इन प्रति वर्ष माने के एस एस तरफ जो प्रोग्रामा हेसी श्रावण उत्सव प्रत वर्ष आम आसू इन इंजय करसुँ आउ माने जो समस्त को इन डाकिकिना सम्मान दिया दिहे आउ समस्ते एकजुट होना खड़िया रोड सेवा समितिटे चलुचे आउ बहुत मैंने समस्ते जो भी हाउसी खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज अपना टिकट कलेक्ट करें समस्ते एकजुट है कि नहीं ना काम करूँ छूं आउ समस्त के इन दी ये करबा सेवा करबार मौका मिलू छे खड़िया रोड रे प्रति वर्ष दशहरा रे भी केएसएस वाले मैंने समस्त ये करूँ सेवा करूँ इतकी कही सर आज हजली तीज का प्रोग्राम यहाँ डागा राइस मिल में खरेउट में उत्सव आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे अनेक प्रोग्राम किया है जिसमें बच्चों का डांस है क्विज कंपटीशन है ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं बच्चों के द्वारा किया गया है। और इस हरियाली तीज में हर साल यह मनाया जाता है केएसएस के थ्रू यह हरियाली तीज बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव के जिसमें झूला है सेल्फी जोन है और बहुत सारी महिलाएं एक साथ मिलकर यह एंजॉय करते हैं और खूब अच्छे से अपने एक दूसरे महिलाओं अपने सखियों से मुलाकात होती है और बहुत ही खुशी आनंद उत्सव लेते हैं एंजॉय करते हैं। खरिया रोड सेवा समिति द्वारा आयोजित हमारा जो यह कार्यक्रम है जिसका बेस है सावन महोत्सव, साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो खरिया रोड के अंदर में कोरोना महामारी के समय अपनी जान माल का परवाह ना कर लोगों की सेवा की, चाहे वो डॉक्टर टीम हो, चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे क्लीनिंग टीम हो, चाहे स्वच्छ साथी हो, उसके साथ साथ जो अलग अलग समाज मुस्लिम यंग मुस्लिम समाज के अलावा सिख समाज जैन मित्र मंडल इन सब ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया। जिस समय लोग डर के अपने घर पर बैठ रहे थे इन्होंने घर छोड़कर लोगों को राशन पानी पहुंचाया, खाने की व्यवस्था की, उन सब का आज यहाँ सम्मान कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार जो चौथा पिलर बोला जाता है हिंदुस्तान का, पत्रकार जितने भी बंधु हैं उनको भी हमने कोरोना योद्धा के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। आगामी हम इसी तरीके का बहुत सारा और कार्यक्रम करते जाएंगे। हमारा मेन मकसद है युवाओं को एकत्रित करना, नारी शक्ति को सम्मान पहुंचाना और जो जातिवाद भेदभाव है उसे दूर करना।